लुधियाना के जमालपुर सेक्टर 39 स्थित एक कोठी में बीती रात 5 अज्ञात हंकारपोश बदमाशों ने चोरी के इरादे से दावा बोल दिया। चोर घर के अंदर कीमती सामान ढूंढते रहे लेकिन उनके हाथ कुछ ना लगा। ये घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैमरे में दिखाई दे रहे चोर करीब 2.5 घंटे तक घर में मौजूद रहे लेकिन परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। परिवार ने सुबह उठकर देखा तो घर में सामान बिखरा पड़ा था। परिवार द्वारा घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की तो उसमें 5 व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधे अंदर आते दिखाई दिए, जिससे परिवार और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राती 2 बजे तो बाद चोर आए ने सानू सुत्या पे नु कोई जानी नुकसान नहीं होया, कोई सामान नहीं ले गए। डर दा माहौल बहुत बनया होया, बहुत ज्यादा दहशत हुई भी है। बहुत सरकार दा ध्यान नहीं है और ना कोई इत्थे सिक्योरिटी वाला रोड से। उस तो बाद उन्होंने सारा वारदात हथियार उन्होंने को सारे सीगे बचा हो गया। इस जरूर सरकार ध्यान देवे, पुलिस वाले नु चाहिए मदद करने जिस तरह भी है। ती आए अगले 3 बजे आए ने ते 5 बजे तक रहे ने, 2 घंटे अंदर मतलब घूमते रहे ने। सानू 6:45 से उठे हैं, मैं ते मेरे मिसेज उठे सी ते नाल अपने दूसरे कमरे मेरा बेटा सी। बहुत माड़ा काम होया लेकिन परमात्मा ने बचाया, साडा कोई मदद कीती है। ना शक सानू किसी ते नहीं हैगा, मत तुसी जो भी है ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੋ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ, 1555 ਨੰਬਰ। ਅੱਜ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਚਿਟਕਣੀ ਪੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਫੁੱਲਾ ਫਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਾ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਾਨੀ ਮਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਜਾਗਰਤੀ ਲਹਿਰ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਸੋਨੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।